साल पहले कबीर बोल के गए थे, देखो साधो जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपते आना। कि अगर सच्ची बोलो तो पूरी दुनिया मारेंगे। मारने आती है, और झूठी बात के ऊपर जल्दी यकीन कर लेते हो। यही हो गया है। तो दोनों चीजें अगर हम ईमानदारी के साथ निभा सके, मैं कलाकार हूं, कलाकार के रूप में ही उन्होंने मुझे ये दिया है, जो मैं इतना अच्छा वक्ता हूं इसलिए नहीं दिया है, अच्छे कला इनको मालूम है कि ये आदमी इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करेगा। इन्होंने पूरा रेकी किया होगा कि मेरा चरित्र क्या है, किस तरह का है। बड़े ये फिल्म इंडस्ट्री वाले बड़े चतुर चालाक ऐसा दिए गए हैं। सो अब जाहिर है कि ये विद ड्यू रिस्पेक्ट शक्ति कपूर को तो रोल नहीं देंगे ना। तो इसलिए और बाकी बच्चे कि आपको कैसा लगा, क्यों किया, क्यों किया, क्यों नहीं करूंगा मैं, करेंगे उनका काम, क्यों नहीं करेंगे। और डर लगा, डर तो किसी से नहीं लगता, डर तो लगता ही नहीं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, ही वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सरगोधा। क्रांतिकारी थे, सरगोधा में अंग्रेज सरकार ने फांसी चढ़ा दिया था, और जिस वक्त चढ़ाया था तो गांव सरगोधा के लोग गिद्धा कर रहे थे बाहर, जिस वक्त लाला गंगाराम कपूर को फांसी दी गई। माय ग्रैंडफादर वाज कर्नल इन ब्रिटिश आर्मी। मेरे दोनों चाचा वीर गति को प्राप्त हुए जब 65 और 71 की वॉर। तो ये तो मैंने अपना जरा सा बता दिया, आपने आपने पूछा नहीं था तो बात से बात लिख ली बता दी। और क्या के किस चीज का भय। कुछ ऐसे जख्म भी दरपर्द हमने खाए हैं जो हमने अपने रफीकों से भी छुपाए हैं। कुछ ऐसे जख्म भी दरपर्द हमने खाए हैं जो हमने अपने रफीकों से भी छुपाए हैं। अब क्या बताएं तुमको कि हम क्या गवा के आए हैं, बस एक जमीर बमुश्किल बचा के लाए। जबरदस्त। हम क्या बताएं कि हम क्या गवा के आए हैं, बस एक जमीर बमुश्किल बचा के लाए हैं। घर से हम निकले हैं बहुत एहतराम के साथ, घर से हम निकले हैं बहुत एहतराम के साथ, हम अपना कफन घर से साथ लेके आए हैं। डर होता होगा गद्दारों को, हमको कोई डर नहीं। कभी अन्नू का